हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। विल कंटिन्यू विद द चैप्टर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दिस इज़ द पार्ट 9 ऑफ द वीडियो, और पार्ट 8 तक मैं अपने प्रीवियस जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स हैं मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो ये जेनेटिसिस्ट्स के लिए एक हमेशा से एक पजल की तरह रहा है। जो इनिशियली ये सोचा जाता था कि क्रोमोसोमल जेनेटिक या क्रोमोसोमल मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इंसेक्ट्स का। इसका क्या मतलब हुआ कि इंसेक्ट्स के केसेस में जो सेक्स है वो क्रोमोसोम पर की वजह से या फिर जीन्स की वजह से डिटर्मिन होता है। इनफैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस मेड इन अ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। के साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस की गई, साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है कि सेल की स्टडी की गई। जब सेल्स की स्टडी की गई तो देखा गया बहुत सारे इंसेक्ट्स में, तो ये देखा गया कि जो सेक्स है वो डिटर्मिन हो रहा है क्रोमोसोम्स की वजह से या फिर उसका कोई जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से सेक्स डिटर्मिन होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्स कैसे डिटर्मिन होता है, कितने टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इंसेक्ट्स में, ह्यूमन बीइंग्स में और बर्ड्स में, किस तरह से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। और एक नया टॉपिक को तो आपको ऑलरेडी पता ही है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी वो रिसेंटली ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, तो वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो विल स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं XXXO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। XXXO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है मेल और फीमेल, तो उस केस में जो फीमेल होती है, फीमेल के पास जो एग्स होते हैं उसमें सिर्फ पहले मैं उसका जीनोटाइप बता देती हूँ आपको। जो फीमेल होती है उसका जो जीनोटाइप होता है वो उसमें होते हैं ऑटोसोम्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम्स, और जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे दोनों सेम होंगे, दोनों एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम होंगे। तो उसमें जितनी भी गैमीट्स बनेंगी, जितनी भी फीमेल गैमीट्स बनेंगी, या हम कह सकते हैं कि जितने भी एग्स बनेंगे उनका जो जीनोटाइप होगा वो होगा ए प्लस एक्स। ठीक है, लेकिन जो मेल होते हैं, मेल के केस में जो जीनोटाइप होता है मेल का वो होता है ए ए प्लस एक्स। ठीक है, मेल का जो जीनोटाइप होता है वो होता है ए ए प्लस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर मिसिंग है, या हम कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम यहाँ पर मिसिंग होता है। तो अगर किसी इंसेक्ट में इस तरह का अगर जीनोटाइप देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब वो मेल है और ये फीमेल का जीनोटाइप होता है। तो इसमें जो गैमीट बनेंगी, मेल इंसेक्ट के केस में जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा या जो स्पर्म्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे कि 50% जो स्पर्म्स होंगे उसमें सिर्फ ऑटोसोम प्रेजेंट होंगे, सेक्स क्रोमोसोम एक भी प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है जिसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम एक्स ओ लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ ए प्लस एक्स, बाकी के जो 50% जो क्रोमोसोम्स होंगे उसमें ए प्लस एक्स कंडीशंस मिलेगी, इसका मतलब उसमें ऑटोसोम्स होंगे, ऑटोसोम्स के साथ साथ एक एक्स क्रोमोसोम भी होगा। ठीक है, तो अगर इस एग का जो फ्यूजन है इस पर्टिकुलर स्पर्म के साथ अगर हो जाता है तो जो जायगोट बनेगा उस जायगोट के अंदर क्या कॉम्पोजिशन होगा, उस जायगोट का जीनोटाइप होगा ए ए प्लस एक्स। ए ए प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इसका दूसरा काउंटर पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो जायगोट बना ये मेल होगा या फीमेल होगा, आप खुद बताइए। यहाँ पे जब कोई काउंटर पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है एक्स के साथ में तो ये होगा मेल। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, ये मेल के कंडीशन की हमने बात की थी, ए ए प्लस एक्स जीरो या ए ए प्लस एक्स। लेकिन अगर इस एग का फ्यूजन अगर इस टाइप के स्पर्म के साथ में होता है तो उस पर्टिकुलर केस में जब जायगोट का फॉर्मेशन होगा तो जायगोट के अंदर जो जायगोट का जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, ए ए प्लस एक्स एक्स। ठीक है, ए ए प्लस एक्स एक्स, और इस पर्टिकुलर केस में जो जायगोट बनेगा वो फीमेल होगा। क्यों? क्योंकि फीमेल का जो फीनोटाइप होता है वो होता है ए ए प्लस एक्स एक्स, क्योंकि उसमें दो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हो गया
फीमेल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, फीमेल के केस का जो फीमेल के केस में जीनोटाइप है ए ए प्लस एक्स एक्स, क्योंकि उसके पास दो सेक्स क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है ऑटोसोम के अलावा। मेल का जीनोटाइप होगा ए ए प्लस एक्स, क्योंकि मेल्स में सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ऑटोसोम तो पेयर में प्रेजेंट है ही, उसके अलावा क्रोमोसोम सिर्फ एक प्रेजेंट है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसीलिए जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, 50% स्पर्म्स ऐसे बनेंगे जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा ही नहीं, और बाकी के 50% क्रोमोसोम्स ऐसे बनेंगे जिसमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होगा। और एग की अगर हम बात करें तो जितने भी एग्स का फॉर्मेशन होगा सब में सेक्स क्रोमोसोम एक्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इस बाय चांस ये वाले एग का फ्यूजन हो जाता है इस स्पर्म के साथ, तो ए ए प्लस एक्स जीरो कंडीशन मिलेगी, जिस केस में जो जाइगोट होगा वो मेल होगा। ठीक है, आगे मेल इंडिविजुअल बनेगा इससे, मेल इंसेक्ट। ठीक है, और इस पर्टिकुलर एग का फ्यूजन अगर इस स्पर्म के साथ अगर होता है तो उस पर्टिकुलर जाइगोट का जो जीनोटाइप है ए ए प्लस एक्स एक्स, और ये आगे जाके मेल सॉरी फीमेल इंसेक्ट को ये फॉर्म करेगा, फीमेल इससे फीमेल इंसेक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। हैंकिंग 1891 कुड ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट्स, एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय हिम दैट 50% ऑफ द स्पर्म्स रिसीव दिस स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस वेयर एज द 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट। हैंकिंग gave a name to the structure as X body, but he could not explain its significance. Further investigations by other scientists led to the conclusion that the X body of Hanking was in fact a chromosome, and that is why it was given the name X chromosome. देखिए इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है कि हैंकिंग ने जब स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान सेल की स्टडी की थी तो उन्होंने देखा था कि एक स्ट्रक्चर है जो कि देखने के लिए मिल रहा है स्पर्म्स में, लेकिन वो सिर्फ 50% ऑफ स्पर्म्स में ही ट्रांसफ़र हो रहा है, बाकी के 50% ऑफ स्पर्म्स में वो स्ट्रक्चर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बाकी फिर उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशंस हुई और साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि जो स्ट्रक्चर हैंकिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, जो कि 50% ऑफ गैमीट्स में ट्रांसफ़र हो रहा है, बाकी के 50% ऑफ स्पर्म्स में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली में एक्स बॉडी है या फिर एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, वो एक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये मीनिंग है स्टेटमेंट का। इसमें हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी एक्स 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 ओ टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन की। ओ का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व दैट इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ एक्स ओ टाइप, दैट इज ऑल एक्स बेयर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स द अदर ऑटोसोम्स। इसका मतलब है कि जितने भी एक्स होंगे उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होगा ऑटोसोम्स के अलावा। लेकिन ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म्स, कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होगा और कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। एग्स फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स, अगर एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है उन स्पर्म्स के साथ जिसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये सब चीज़ मैं आपको अभी डायग्राम की हेल्प से समझा चुकी हूँ। तो एग्स का फर्टिलाइजेशन होगा अगर ऐसे स्पर्म्स के साथ जिनमें एक्स क्रोमोसोम होगा तो वो बनेंगी फीमेल्स, और अगर ऐसे स्पर्म्स के साथ एग का फ्यूजन होता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो वो बनेंगे मेल्स। सो डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल और फीमेल में तो इक्वल नहीं है। फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा है और मेल के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम है। कितने कम है? एक कम है। मेल के केस में एक क्रोमोसोम कम है फीमेल से अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इट वॉज डेसिग्नेटेड टू बी सेक्स क्रोमोसोम एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स वर नेम्ड ऑटोसोम्स। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर केस को जिसमें एक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहा है और वो डिटर्मिन कर रहा है सेक्स को, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमिन कर रहा है तो इसीलिए हम इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और बाकी के जो क्रोमोसोम्स हैं उनको हम ऑटोसोम्स का
नाम देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर। ये आप इस हर एक टाइप का जो एग्जाम्पल है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो एक्स 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 ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का जो एग्जाम्पल है वो है ग्रास हॉपर। सो ग्रास हॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच मेल्स हैव, जिसके केस में मेल्स के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है ऑटोजोम्स के अलावा, लेकिन फीमेल्स के पास अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। एक्स क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं फीमेल के पास। तो इसका एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर। आगे हम नेक्स्ट टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं, एक्स 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 वाई टाइप। आप ये चीज़ अच्छे से क्लास टेंथ में भी पढ़ कर आए हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एक बार आप पहले डायग्राम की हेल्प से समझिए। देखिए ह्यूमन बीइंग्स के केस की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में जो बॉडी के जितने भी सेल्स होती हैं उनका जीनोटाइप होता है ए ए प्लस एक्स एक्स। ए ए प्लस एक्स एक्स का मतलब होता है कि पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो ये फीमेल का केस है, फीमेल के केस में वन पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और उसके अलावा जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स एक्स। मेल्स की अगर हम बात करें तो बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें जीनोटाइप होता है ए ए प्लस एक्स वाई, और जिसमें से 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, सॉरी 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम में मेल्स के केस में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है। तो फीमेल के केस में जितने भी एक्स का फॉर्मेशन होगा सब का जीनोटाइप ए प्लस एक्स होगा, क्योंकि इसमें एक ही टाइप की सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और लेकिन स्पर्म्स जो होंगे वो दो टाइप के फॉर्म होंगे। 50% स्पर्म्स का जीनोटाइप ए प्लस एक्स होगा, क्योंकि 50% स्पर्म्स में मियोसिस का जब सेल डिवीजन हुआ है तो 50% जो स्पर्म्स हैं उसमें एक्स क्रोमोसोम गया है और बाकी के जो 50% स्पर्म्स हैं उनमें वाई क्रोमोसोम गया है। तो बाकी के जो 50% जो स्पर्म्स होंगे उनका जीनोटाइप होगा ए प्लस वाई। ठीक है, अगर ये वाला जो एग है उसका अगर फ्यूजन होगा इस पर्टिकुलर स्पर्म्स के साथ जो रिजल्टेंट जो जायगोट बनेगा उसका जीनोटाइप क्या होगा ए ए प्लस एक्स एक्स। ठीक है, और ए ए प्लस एक्स एक्स अगर कंडीशन है तो ये मेल होगा या फीमेल होगा आप बताइए। इस कंडीशन में ये होगा फीमेल। ठीक है, और अगर ये एग का फ्यूजन अगर हो जाता है इस वाले स्पर्म्स के साथ जिस स्पर्म में वाई सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो जीनोटाइप होगा जायगोट का वो होगा ए प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई कंडीशन में जो इंडिविजुअल होगा वो मेल होता है। तो इस तरह से जो सेक्स है वो डिटरमिन होता है ह्यूमन बीइंग्स के केस में, मैमल्स के केस में हम कह सकते हैं, और उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स के केस में भी इसी तरह से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप देखते हैं बुक में थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। एक्स 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 वाई टाइप इन अ नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स एंड मैमल्स। बहुत से बाकी इंसेक्ट्स और मैमल्स में जिसमें इंक्लूड करें हम ह्यूमन बीइंग्स को भी तो उनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो होता है एक्स वाई टाइप का। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में सेम है, मेल में भी और फीमेल में भी। इससे पहले वाला जो हमने एक्स एक्स और एक्सो टाइप पढ़ा था उसमें आपको ध्यान होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल में कम थे और फीमेल में ज़्यादा थे, एक क्रोमोसोम ज़्यादा था। ठीक है, और फीमेल मेल के केस में एक क्रोमोसोम कम था। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में सेम है लेकिन मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम है और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, अमंग द मेल्स एंड एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इट्स काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर। मतलब उसका जो काउंटर पार्ट होता है उसका जो साथी होता है वो स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है और उसको हम वाई क्रोमोसोम का नाम देते हैं। फीमेल में लेकिन वाई क्रोमोसोम नहीं होता है बल्कि अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन ऑटोसोम्स की अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल दोनों में ही सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मेल में ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं लेकिन जो फीमेल होते हैं उनमें ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
इन ह्यूमन बींग्स एंड इन ड्रोसोफिला द मेल्स हैव वन एक्स एंड वन वाई क्रोमोसोम वेयर एज फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स बिसाइड ऑटोसोम्स। ह्यूमन बींग्स में और ड्रोसोफिला में ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल आपने कहाँ पे पढ़ा, एक्स 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 वाई टाइप में, ठीक है, ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये किस टाइप का है। ड्रोसोफिला जो है वो एक्स 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 वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसमें। सो ह्यूमन बींग्स में और ड्रोसोफिला में जो मेल्स होते हैं उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो फीमेल्स होते हैं उनमें पेयर में प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और पेयर में सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हो गया, उसके अलावा उनमें ऑटोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। इन द अबव डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडीड अबाउट टू टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनिंग मैकेनिज्म, एक्सओ टाइप एंड एक्स वाई टाइप। अभी अभी हमने दो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा, एक्सओ टाइप और एक्स वाई टाइप। लेकिन इसमें हमने देखा दोनों ही टाइप में कि जो मेल्स हैं वो अलग अलग टाइप की गेमीट्स बना रहे हैं, दो डिफरेंट टाइप की गेमीट्स बना रहे हैं। जैसे एक्सओ टाइप में हमने देखा था कि मेल्स में दो टाइप की गेमीट्स बन रही थी, एक में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था और दूसरे में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। और एक्स वाई टाइप में भी हमने देखा कि मेल्स के केस में ही दो टाइप की गेमीट्स बन रही थी, एक गेमीट में 50% स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम था और 50% स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम था, ठीक है। तो इस तरह की जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको हम कहते हैं मेल हीट्रोगेमिटी। मेल हीट्रोगेमिटी का हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, गेमिटी का मतलब गेमिटी वर्ड आता है गेमीट से, तो अलग अलग टाइप की गेमीट बन रही है। हीट्रो मतलब अलग अलग टाइप की गेमीट्स बन रही हैं, ठीक है। मेल्स के केस में अलग अलग टाइप की गेमीट्स बन रही हैं या अलग अलग टाइप के स्पर्म्स बन रहे हैं, जैसे कि एक्स ओ टाइप में हमने देखा था कि 50% स्पर्म्स में क्या प्रेजेंट था, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था और बाकी के 50% स्पर्म्स में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं था। और दूसरा जो टाइप हमने देखा था एक्स वाई टाइप, उसमें हमने देखा था कि मेल के जो मेल गेमीट जो थी उनमें 50% स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम था और बाकी के 50% जो स्पर्म्स थे उनमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट था। तो इसीलिए मेल में अलग अलग टाइप की गेमीट्स बन रही हैं, इसीलिए ये मेल हीट्रोगेमिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ की आगे बात करते हैं, जेड 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 डब्ल्यू टाइप। जेड 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 डब्ल्यू टाइप में हमें फीमेल हीट्रोगेमिटी देखने के लिए मिलेगी। इसका मतलब ये है कि फीमेल के केस में अलग अलग टाइप की गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है। और फीमेल हीट्रोगेमिटी का एग्जाम्पल है बर्ड्स। बर्ड्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो होता है जेड 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 डब्ल्यू टाइप से। कैसे होता है ये अभी आप डायग्राम की हेल्प से समझिए। यहाँ पर कि बर्ड्स के केस में एक्चुअली क्या होता है कि जो फीमेल बर्ड होती है उस फीमेल बर्ड का जो जीनोटाइप होता है वो होता है ए ए प्लस जेड डब्ल्यू। ए ए मतलब पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस जेड डब्ल्यू जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है दो अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम है, एक जेड है एक डब्ल्यू है, तो जितने भी एग्स बनेंगे उनमें 50% ऑफ एग्स में जेड क्रोमोसोम जाएगा और बाकी के 50% जो एग्स हैं उनमें डब्ल्यू क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। लेकिन जो मेल्स हैं, मेल्स में जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो सेम होंगे जेड जेड, ठीक है, ऑटोसोम्स प्लस जेड जेड सेक्स क्रोमोसोम दोनों सेम है। तो इसीलिए जितने भी स्पर्म्स होंगे सारे सेम होंगे, सब में जेड क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ऑटोसोम के अलावा जेड क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। अब देखिए बाय चांस इस पर्टिकुलर एग का फ्यूजन अगर इस पर्टिकुलर स्पर्म के साथ अगर हो जाता है तो जो इनके फ्यूजन से जो जाइगोट बनने वाला है उस जाइगोट में क्या होगा, उसका जीनोटाइप होगा ऑटोसोम्स प्लस जेड जेड। और जेड जेड अगर होगा ऑटोसोम्स प्लस जेड जेड तो ये कंडीशन मेल होगी या फीमेल होगी, यहाँ पे हमने देखा अभी ये कंडीशन होगी मेल, ठीक है, कि अगर इस तरह से अगर बर्ड का फॉर्मेशन हुआ हो तो वो मेल बर्ड होगी। अच्छा अभी और अगर बाय चांस इस पर्टिकुलर एग का अगर फ्यूजन हो जाता है, इस पर्टिकुलर एग का अगर फ्यूजन होता है इस स्पर्म के साथ में तो जो जायगोट होगा उस जायगोट का जो जीनोटाइप होगा वो होगा ए ए प्लस
जेड डब्ल्यू, ठीक है, ए ए प्लस जेड डब्ल्यू, और इस पर्टिकुलर केस में जो बर्ड बनेगी वो होगी फीमेल बर्ड, जो इंडिविजुअल होगा वो होगा फीमेल, ठीक है। तो इस तरह से बर्ड्स में सेक्स डिटरमिन होता है, और जैसा कि अभी हमने देखा कि अलग अलग टाइप के एग्स बन रहे हैं, पिछले केसेस में हमने क्या देखा था कि अलग अलग टाइप के स्पर्म्स बन रहे थे, तो वो था मेल हीट्रोगेमिटी का एग्जाम्पल, कौन कौन सा, एक्स एक्स एक्सो टाइप और एक्स 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 वाई टाइप। लेकिन ये वाला जो टाइप है जो जिसको हम कहते हैं जेड 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 डब्ल्यू टाइप, इस केस में हम देख रहे हैं कि स्पर्म्स तो सारे सेम हैं, एक ही टाइप के हैं ए प्लस जेड, लेकिन जो एग्स हैं वो है दो अलग अलग टाइप के, हाफ ऑफ द एग्स में जेड सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बाकी के हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स में डब्ल्यू सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये हो गया फीमेल हीट्रोगेमिटी का एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए बुक में अब क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, इन सम अदर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल बर्ड्स आर डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इन इस केस में भी जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं मेल और फीमेल दोनों में, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं फीमेल के केस में, तो इसीलिए इसको हम फीमेल हीट्रोगेमिटी का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है। जेड 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 डब्ल्यू टाइप, इन ऑर्डर टू हैव अ डिस्टिंक्शन विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्क्राइब्ड अर्लियर द टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम ऑफ अ फीमेल बर्ड हैज बीन डेजिग्नेटेड टू बी जेड एंड डब्ल्यू क्रोमोसोम, तो इस पर्टिकुलर केस में क्रोमोसोम्स को अलग नाम दिया जाता है जिससे कि हम इसे मेल हीट्रोगेमिटी से डिफ्रेंशिएट कर सकें, तो इसीलिए फीमेल हेट्रोगेमिटी के जो एग्जाम्पल हैं उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम को डिनोट किया गया है वो जेड और डब्ल्यू से डिनोट किया गया है। इन ऑर्गेनिजम्स में जो फीमेल होते हैं उनके पास में एक जेड क्रोमोसोम होता है और एक डब्ल्यू क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो मेल्स होते हैं उसमें एक पेयर होता है जेड क्रोमोसोम्स का जो कि ऑटोसोम्स के अलावा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है उसको भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स के केस में बात की गई है जिसमें जो एग्स होते हैं उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स, या हम कह सकते हैं फीमेल्स के केस में जो सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर होता है वो होता है एक्स एक्स, और मेल्स के केस में जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है वो होता है एक्स वाई, जिसमें वाई एक शॉर्ट क्रोमोसोम होता है, ठीक है। उसी तरह से ड्रोसोफिला के केस में भी सेम तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मेल्स के केस में सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होते हैं और फीमेल्स के केस में सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें बर्ड्स के केस में तो उनमें फीमेल के केस में तो अलग अलग टाइप के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जेड और डब्ल्यू, लेकिन मेल के केस में दोनों सेम टाइप के सेक्स क्रोमोसोम हैं जो है जेड जेड, ठीक है। ये तीनों मेल क्रोमोसोम्स आपको शो किए हुए हैं जिसमें ये यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों केसेस में मेल के दोनों क्रोमोसोम्स डिफरेंट हैं, मेल के दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम है बर्ड्स के केस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको ब्रीफ में हम देख लेते हैं कि मेल फीमेल के केस में ए प्लस एक्स, या हम कह सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ एग्स का फॉर्मेशन होता है, सारे सेम टाइप ऑफ एग्स होते हैं जिनका जीनोटाइप होता है ए प्लस एक्स, मतलब उनमें एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम है, और मेल्स के केस में 50% स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होता है, बाकी के 50% स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये वाले एग का इस स्पर्म के साथ अगर फ्यूजन होगा तो जायगोट में एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे एक्स एक्स, और इसलिए ये जो जायगोट बनेगा ये होगा फीमेल, ठीक है। और अगर एग का फ्यूजन अगर इस वाले पर्टिकुलर स्पर्म्स के साथ होता है तो जो इंडिविजुअल होगा जो जायगोट बनेगा उसमें जो जीनोटाइप होगा वो होगा एक्स वाई, और एक्स वाई होने की वजह से ये इंडिविजुअल जो बनेगा इस जायगोट से वो होगा मेल, ठीक है। ये आपको सेपरेटली ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन बताया गया। अब देखते हैं बुक में थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, सेक्स डिटर्मिनिंग मैकेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग्स में वो होता है एक्स वाई टाइप का। हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी की हर एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता है, और उन 23 पेयर्स में से 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और बाकी का जो बचा हुआ एक लास्ट का जो पेयर होता है वो पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम,
और मेल्स के केस में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, और फीमेल्स के केस में जो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। इसीलिए जब स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है तो उसमें मेल्स में दो टाइप के स्पर्म्स बनते हैं, जिसमें से 50% जो टोटल स्पर्म्स होते हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और बाकी के जो 50% जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है उसमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के केस में सिर्फ एक टाइप के ही एग्स बनते हैं, और सभी एग्स में या सभी ओवम में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो देर इज़ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद द स्पर्म, और एक इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, इक्वल चांसेस होते हैं कि एग का फर्टिलाइजेशन या तो एक्स कैरी करने वाले स्पर्म के साथ हो या वाई कैरी करने वाले स्पर्म के साथ में हो। ठीक है, अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन ऐसे स्पर्म्स के साथ हो जाता है जिसमें जो एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है तो जायगोट फीमेल बनता है, और बाय चांस अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन वाई क्रोमोसोम कैरी करने वाले स्पर्म के साथ हो जाता है तो मेल ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, सो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो जेनेटिक मेकअप होता है स्पर्म का या जीनोटाइप जो होता है स्पर्म का वो डिटरमिन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड का, किस केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में। तो ये हम इट इज़ एविडेंट दैट इन ईच प्रेगनेंसी देर इज़ ऑलवेज 50% चांस, तो हर एक प्रेगनेंसी में 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि या तो मेल बेबी होने के चांसेस हैं या फिर फीमेल हो बेबी होने के चांसेस हैं, तो 50% प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या होता है, जनरली फीमेल को, मदर को ब्लेम किया जाता है अगर उसको फीमेल बेबी होता है, और उसको फिर सोसाइटी से ऑस्ट्रोसाइज कर दिया जाता है और बहुत बुरी तरह से उसको ट्रीट किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको सोसाइटी से बहिष्कार कर दिया जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बीइंग्स के केस में, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मदर नहीं बल्कि स्पर्म्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि 50% स्पर्म्स एक्स क्रोमोसोम कैरी करते हैं, बाकी के 50% स्पर्म्स वाई क्रोमोसोम कैरी करते हैं। तो बाय चांस जिस स्पर्म का भी फ्यूजन ओवम के साथ हो वही डिटरमिन करता है कि होने वाला जो बेबी है उसका सेक्स क्या होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी की, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। सो यू कैन रिमेन अपडेटेड अबाउट माई लेटेस्ट वीडियो बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल and pressing the bell icon. Thank you.